इजी था वीजे वगैरह। शोएब भाई ने बतावा दी थी कि कुछ पाकिस्तानियों को साथ मुलाकात करेंगे, तो हम आ गए। ये खुद नहीं आए थे तो हमने चाय और खाना शुरू कर दिया। अब हम खाना खा रहे हैं, जब तक ये अपनी कहानी सुनाएंगे। कैमरा में खाना खाने दो यार। जी नदीम भाई, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दें। हमारा क्या इंट्रोडक्शन है, बस मजदूरी कर रहे हैं। क्या मजदूरी करते हैं? मजदूरी मैं करता हूँ मोबाइल एक्सेसरीज। अच्छा, लव मंगाते अपनी यहीं से लेते? नहीं, चैनल ट्रैक डायरेक्ट बोला। कितनी दुकान है? नहीं, दुकानें कितनी? चार। आप उधर देखते हैं? चार दुकानें हैं उधर देखते हैं। माशाल्लाह काम कम आजकल तो स्लो है, बट एनीवे अल्लाह का शुक्र है काम फर्स्ट क्लास चल रहा है। कब से आप ये एक्सेसरीज के काम में लगे हैं? मैं एक्सेसरीज के काम में अराउंड 5 इयर्स हो गए। ये स्पेन में आप? स्पेन। खुश हैं आप? फैमिली के साथ हैं? फैमिली के साथ हैं। पाकिस्तान जाना चाहते हैं? पाकिस्तान एक दिन जाना तो है। क्यों जाना? वो अपना वतन है, उधर जाना ही जाना है। चाहे आज जाएं, चाहे कल जाएं, परसों जाएं, एक दिन जाना है। वो माइंड में है, मेरे माइंड में नहीं है। यानी कि ऑल वर्ल्ड अराउंड हर एक बंदे के माइंड में है कि हमने एक दिन पाकिस्तान जाना है। अगर ये सारे लोग ये सोचना शुरू कर देंगे तो फिर मुल्कों में रहेगा तो हमारी फैमिली में क्यों जाना चाहते हैं? देखिए ना जी, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जाना चाहता हूँ पाकिस्तान, सही है। इसी तरह नेक्स्ट कि मैं हमारी फर्स्ट पोत है, यानी कि मेरे पहले बच्चे, ठीक है, जब ये शादी करेंगे वो इधर रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। थर्ड जब वो जनरेशन बड़ी होगी, अस्सलाम वालेकुम, या थर्ड जनरेशन खत्म होगी ना, वो बाय कार्ड वो फिर पाकिस्तान में। क्या लिखा रहे हैं? इट मीन कि मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहता हूँ कि हमारा कल्चर क्या है। आप गली का नाम देखिए, वर्दिया लिखा हुआ है, जी यू आर डी आई। ऑल द टाइम आई विल गो इन पाकिस्तान विद माय फैमिली। जी यू, और ये कहने का मतलब ये है कि आर कैसर है, डी आई एन, अपनी फैमिली के लिए। जी सब कुछ करता है, अपने कंट्री से निकले जी दूसरे कंट्री में आता है, मेहनत करता है। इवन हम इतनी मेहनत करते हैं ना, अगर हम पाकिस्तान में करें मुझे उम्मीद है हम उधर ज्यादा करेंगे। तो क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम ये है कि जब एक इंसान पाकिस्तान से फ्लाइंग करता है ना, जब वो इधर रह जाता है ना, रह जाता है, तो वो दोबारा पाकिस्तान जाता है ना, तो कल्चर उसको जरूर पसंद आता है, मगर उसको रहन सहन पसंद नहीं आता। उसका क्या फर्क है कल्चर और रहन सहन का? देखे ना जी, कल्चर में आता है कि रिश्तेदार हो गए, खाना पीना, हर चीज़ कल्चर जो हमारा है वो सारी चीज़ें बिहार बिहार ठीक है। अब जो रहना सहना है वो आप इधर का डिफेंस और पाकिस्तान का डिफेंस, ये मैं ये कोई भी यूरोप से जाता है वो आपको समझ नहीं आप बताए ना हमको आप एक और बार ट्राई करें ना, साल एक रहे नहीं हमारे पास तो वीज़ा नहीं है सर। इधर वीज़ा नहीं है, इधर वीज़े का आप इतने रह गए ना, अपना तजुर्बा हमें बता दें ना। बड़े हमारे आप तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, आप तो यहाँ रहने का एक्सपीरियंस तो आपका है ना, हमारा थोड़ी है। लेकिन देखें सहारा तो स्पेन ने दिया ना। सहारा तो वो पता क्या है, वो मेहनत से मिल रहा है। इधर भी कई ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान में जो 20 साल इधर रहते हैं ना, तो 20 साल में भी वैसे के वैसे ये क्या काम करते हैं, खाते हैं और एंजॉय करते हैं। कुछ लोग आते हैं काम करने के लिए, क्यों कि किसी ने बंदे ने जो गुरबत रखी होती है ना, वो आता है वो कहता है नहीं मैंने बहुत गुरबत देखी है, उसके हर चीज़ का हिसाब है। अब जिसने गुरबत नहीं है देखी वो उसको एहसास नहीं होता, उसको तब एहसास होता है जब सारा कुछ खत्म हो जाता है, फिर वो कहता है ये एहसास मुझे पहले होता था मगर वो दोबारा स्टैंड नहीं होता। अच्छा, ये स्पेन के साथ जाती नहीं होगी कैसे? उन्होंने आपको ये सोचने का मौका दिया, आपकी फैमिली यहाँ पर सेट है, आप खुश हैं, खुश बरात हैं, तो आप उसको छोड़ के चले जाएंगे? एक दोस्त है ना स्पेन, आपका दोस्त है। देख रहे जी, उन पर कोई भी इधर जो रहता है ना वो जाना नहीं चाहता।
اگر دور مگر اس کا دھیان پیچھے ہی ہوتا ہے کہ یار میں ادھر بھی جانا ہے. ہاں وہ ادھر پہ ہے نا, ادھر کا جانا ہے, وہ درمیان میں ہوتا ہے. بیسکلی میں جو چاہوں گا, میں اپنی طرف بیسکلی میں ہمارا ملک یہ ہے کیونکہ ہم ادھر رہ رہے ہیں, سمجھ آئی؟ ہمارا ہم جیسے مسلمان ہیں نا, ہمارا یہ کنٹری نہیں, ہم کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پر مسلمان تو اللہ کے ساتھ کر لوں گا نا, اس کے کنٹری سے کیا کر لوں گا؟ بیٹوں میں مکے میں رہنا چاہیے, وہ بھی آپ کی پارٹی ہے, ان کو تو فریق ہے, وہ ادھر بھی رہتے ہیں, ادھر سے بھی کئی بندے واپس ہیں, مکے میں رہ کے بھی کئی بندے. میری دکان پہ دو بندے کام کرتے ہیں جو چار چار سال پانچ پانچ سال ادھر سعودی عرب میں رہ کے, صحیح ہے؟ وہ کیوں رہ رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پر مذہب ایڈجسٹمنٹ کرنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ مذہب والا معاملہ بھی نکل گیا نا, وہ بھی خالی ہو گیا. اب پیچھے رہ کیا جائے, کیوں جانا چاہیں گے؟ ہمارا سسٹم جیسے کپنانے وغیرہ کا ہے, ادھر بھی سسٹم ہے, یہ بھی نکل گیا. اگلا کیا رہ گیا؟ آگے پھر ذہنی بات ہے, وہ ہمارے جو بچے ہوئے وہ تو پھر پوچھیں گے کہ جو بچے بچوں کو تک نہ پہنچے تھے, ہم نے تک رہے ہیں. آپ نہیں, میں تو دفن ہو گیا نا, آپ نے کہا نہیں کہ تم بولے کے بعد اس کے بعد نہیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ریزنز نہیں جانا ہے, وجوہات مائنس ہوتی جا رہی ہیں. یہاں قبرستان بھی ہے, مذہب کی پریکٹس بھی آپ کرتے ہیں, اچھے طریقے سے رہتے بھی ہیں, اب کیا چیز ستا رہی ہے؟ فیملی تو آپ کدھر ہے؟ آپ کے ہاتھ میں تھا نا اپنا, نہیں ہمارے ہاتھ میں تھا, صرف ہم نے اپنے بچوں کو لے لیا. اگر وہ لے کے آنے دے تو ہم تو سب کو کہیں گے آپ کو ہم پکڑ کے لے فیملی, نہیں تو کیوں نہیں یہاں پہ فیملی کا سسٹم نہیں چلتا کہ ویزا لاگ ویزا اپلائی کرو؟ یہ صرف آپ کا اپنا جو ہے, تو بھائی تو اس کو نہیں ہوتا ہے, وہ آپ کا باپ رہ جائے گا اور آپ کی ماں باپ لا سکتے, ماں باپ کو آپ لا سکتے, وہ بھی آپ شو کریں گے کہ بھائی میں ان کو ادھر لے کے آؤں گا, وہ ادھر رکھے ہوں گے, ان کا جو پیسے وغیرہ کھانے پینے کا خرچہ ہے اتنے پیسے مہینہ والے ان کو میں ادھر جو بھیج رہا ہوں, وہ ادھر آئے تو بات نہیں, پیسہ تو ادھر ہی لے گا. اس سے آپ آپ کو کتنے سال ہو گئے تھے؟ میں 2002 کا ہی. کس طرح آئے تھے؟ کس طرح آئے تھے؟ مطلب وایا ایران ترکی والا رستے سے آئے تھے یا ڈائریکٹ وہاں سے؟ ویزا بھی نہیں. ماشاء اللہ کتنے سال سے یہی جیسے پاکستان میں ہے بیٹری ایک نمبر بتاتے ہیں اور دو نمبر ڈال دیتے ہیں, یہاں بھی ایسے ہی ہے؟ اگر آپ فرق بتانا چاہیں تو کیسے بتائیں گے؟ نہیں میں تو آپ سے جو آپ کے کام کی بات ہے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کی بہت شکریہ جی, آپ کا ہمارے دوست یہاں پر آئے اور ہم نے ان کے ساتھ میں کچھ وقت بتایا, انہوں نے ہمیں دعوت دی, اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت اور ترقی دے. شکریہ. السلام علیکم. لائف ہو گیا, لائف چل رہا ہے.